हूँ आलू भुजिया की रेसिपी। तो इसे सेवी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, 5 उबला हुआ आलू, आलू को मैंने उबाल लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को छील लिया है। अब हम यहाँ पर एक ग्रेटर लेंगे और आलू को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। हम इसमें बेसन को डाल देंगे। बेसन को मैंने छान लिया है। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक एकदम हल्का डालना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका हमें आटे जैसा डो तैयार करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने आटे जैसा डो तैयार कर लिया है। इसको हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए प्लेट को हटा कर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बेसन का जो आटे जैसा डो है ये एकदम सेट हो गया है। तो अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन में तेल को अच्छे से मिला लिया है। अब हम बेसन से सेव बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई को बैठा दिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। अगर आपके पास सेव बनाने वाली मशीन नहीं है तो हम ग्रेटर से बनाएंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर लेंगे और बेसन का डो लेंगे और इस तरीके से, ये देखिए, गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। तो इसको एक बार हम चलाकर देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आइए सेव को हम अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा सेव है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका जब भी मन करे सेव बनाने का तो आप इस तरह से घर पर सेव बना सकते हैं। हमें मशीन की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने शेप को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं दूसरे प्लेट में आपको निकाल के बताती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।